हेलो एवरीवन दिस इज सुगेशर सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम ये फोर्थ पार्ट है रेक्टम का तो बाकी तीन पार्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है मैं आई बटन में भी लगा दूँगा और चैनल पे हैं पहले उसे देख लेना Uh, बाकी उसके एनाटमी और इंटीरियर स्ट्रक्चर्स और रिलेशंस बाकी चीज़ें मैंने बता रखी हैं तो ये चौथी पार्ट है जिसमें हम ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम की बात करेंगे तो इसमें हम आर्टेरियल सप्लाई वीनस ड्रेनेज और आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज का डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले कि अटीरियल सप्लाई में कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती हैं पहले उन आर्टरीज़ की बात कर लेते हैं और वो कहाँ से आती हैं उनका ओरिजिन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं उसके बाद वो कैसे जाती है उसकी बात हम बाद में करेंगे तो पहली चीज़ ये है कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है जो ऊपर के पार्ट को सप्लाई करती है ठीक है और कहाँ से ही आती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्ट्री से आती है जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको डायग्राम पर रिलेट कराऊंगा ताकि पूरा आ, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है अब उसके बाद आपका मिडिल रेक्टल आर्टरी आती है ऊपर वाली इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से आती है बीच वाली जो बीच के पार्ट को सप्लाई करती है ये दो होती है ठीक है राइट और लेफ्ट दो इन नंबर होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट ब्रांचेज में बट एक्चुअल में दो नहीं होती है जब वो आती है रेक्टम में तो वो एक होती है रेक्टम में आने के बाद वो सेंटर में डिवाइड करती है राइट right और लेफ्ट right और फर्दर राइट और लेफ्ट आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड करता है वो ज़्यादा डिटेल की बात है बाकी बेसिक्स ये है कि सुपीरियर आर्टरी रेक्टल आर्टरी मिडिल रेक्टल आर्टरी ये ब्रांच कहाँ से होती है ये इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलेक आर्टरी से ठीक है तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे ऊपर इंफीरियर इंटीरियर था यहाँ ये है फिर आपकी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है ये कहाँ से होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से आती है ठीक है ये ब्रांच होती है ये भी दो ही नंबर होती है इन्फीरियर रेक्टल में राइट और लेफ्ट फिर एक सेंट्रल आर्टरी होती है जिसको मीडियम सेक्रल आर्टरी कहते हैं ये कहाँ से आती है ये आती है एबडामिनल अवोटा से ठीक है तो ये एबडामिनल एटा से आती है क्लियर इतना अब इसकी बेसिक्स जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम पे पर कैसा स्ट्रक्चर दिखता है तो जैसा ये देख रहे हो डायग्राम ठीक है ये आपका रेक्टम है अब ये रेक्टम सबसे पहली आर्टरी जो हमने बात करी थी वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी ठीक है अब सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये देख पा रहे हो ये कहाँ से आ रही है ये देख रहे हो यहाँ से आ रही है ठीक है तो ये देखो ये ऊपर के पार्ट से आ रही है ठीक है ये पोस्टी जो आपका रेक्टो सिगमॉइट जंक्शन होगा उसके पीछे से आएगी और लेवल ऑफ इसका लगभग एस थ्री वर्टिब्र होता है ठीक है इसकी डिस्कशन हम लेटर करेंगे बट ये बेसिक टोपोग्राफी है और यहाँ से आने के बाद ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड होती है फर्दर ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस एंटीरियर ये देखो ये पोस्टीरियर डिवीजन जा रही है पीछे के पार्ट को और ये आगे की तरफ ठीक है तो ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये आपकी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आटरी से आ रही है कंटिन्यूएशन में आती है मतलब इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्ट्री जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से ये सुपीरियर रेक्टल आर्ट्री में कंटिन्यू होती है ठीक है इतनी क्लियर तो पहली आर्ट्री ये थी फिर हमारे पास मिडिल रेक्टल आर्टरी है जो लोअर पार्ट को सप्लाई करती है ऊपर का मोस्टली पार्ट आपकी सुपीरियर रेक्टल आर्ट्री सप्लाई करती है अभी आपकी है मिडिल रेक्टल आर्टरी ठीक है तो ये वाली आपकी मिडिल रेक्टल आर्टरी है ठीक है अब ये कहाँ से आ रही है आपकी ये आ रही है इंटरनल इलेक आर्टरी से मैंने आपको बताया था ठीक है इंटरनल इले आर्टरी के एंटीरियर डिवीजन से ठीक है दो डिवीजन होगा इसका भी एंटीरियर और पोस्टीरियर तो उसमें ये एंटीरियर वाले पार्ट से आती है ठीक है तो ये राइट right साइड right, हो गया आपका ये इसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड हो गया ठीक है ये राइट हो गया तो ये दो ब्रांचेज हैं दोनों तरफ से ये आ रही है ठीक है तो ये दो आपकी दो ब्रांचेस हैं जो आ रही है क्लियर ये हो गई आपकी मिडिल रेक्टल आर्टरी इसी तरह आपकी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है जो कि पुडेंडल आर्टरी से आती है तो ये वाली आपकी पुडेंडल आर्टरी है देख रहे हो ठीक है तो ये पुडेंडल आर्टरी से ओरिजिनेट होके नीचे के हिस्से को सप्लाई करती है इधर वाले को तो ये भी राइट right, आपकी लेफ्ट होती है ठीक है तो ये इसका बेसिक आपका डायग्राम है ओवरव्यू की सप्लाई क्या है ये रेक्टम के तीन हिस्से हैं उसके हिसाब से तीन लेवल पे तीन आर्टरीज सप्लाई करती हैं क्लियर ये हो गई आपकी सप्लाई अब थोड़ी सी हम इसकी टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं तो सुपीरियर एक्टर आर्टरी को हम प्रिंसिपल आर्टरी मानते हैं या तो चीफ आर्टरी मानते हैं और ये मोस्टली आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है म्यूकस मेम्ब्रेन अप टू द एनल वैल्व सो एनल वैल्व इसमें नहीं दिख रही बट एनल वेल्व्स को सप्लाई करती है मैं दूसरे डायग्राम में आपको रिलेट करा दूंगा एनल वेल्व्स ये देख रहे हो ये वाला डायग्राम है ना यहाँ एनल वैल्स है आपकी ये वाली तो यहां तक ये यह सप्लाई करती है तो ये मोस्टली ऊपर का हिस्सा पूरा सप्लाई करती है तो और मस्कुलेचर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम एट द बैक ऑफ द रेक्टोगमोइट जंक्शन डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस जैसा कि मैंने बताया टोपोग्राफी में कि ये रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन के पीछे से आती है एस थ्री वटे बरागर लेवल होता है और वहां वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करती है ठीक है तो ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की बात हो गई अब मिडिल रेक्टल आर्टरी की बात करें तो ये होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आर्टरी जैसा मैंने आपको बताया ये लोअर पार्ट को मोस्टली सप्लाई करती है और ये सुपरफिशियली सप्लाई करती है मतलब सुपरफिशियल कोर्ट्स ऑफ रेक्टम का जो सुपरफिशियल एरिया होता है वहाँ इसकी मोस्टली सप्लाई होती है अंदर की तरफ नहीं जैसे कि सब म्यूकस लेयर्स इनमें नहीं सब म्यूकस में आपकी सुपीरियर रेक्टल सप्लाई करती है तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अब रही बात इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी की ये आपकी पैरी स्किन एनल स्पिंगटर्स जितने हैं उनमें सप्लाई करती है और इसकी एनास्टेमोसिस कहाँ होती है इसकी एनास्टमोसिस होती है ब्रांचेज ऑफ द सुपीरियर रेक्टल आर्ट्री एट द पैक्टिनेट लाइन तो ये सब न्यूकस लेवल पे ये जो सुपीरियर रेक्टल आर्ट्री ऊपर से आ रही है उसके साथ एनास्टामोसिस करती है कहाँ पे जैसे ये मान लो पैक्टिनेट लाइन है तो पैक्टिनेट लाइन का ओरिजिन इस डायग्राम में अगर देखोगे तो जैसे ये वाला डायग्राम है तो इसमें समझ लो इसमें ये वाला लेवल जो है ना ये आपका पैक्टिनेट लाइन है तो इस लेवल पे ऊपर से आर्टरीज आती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस सब म्यूकस लेवल पे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की और कुछ ब्रांचेस होती हैं इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी की वो यहाँ पे आके एनेस्टेमोसिस करती हैं ठीक है थेके? इस एरिया में तो ये एक एनास्टमोसिस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है ठीक है क्लियर तो ये गई ब्लड सप्लाई की बात ठीक है अब हम बात कर लेते हैं वीनस ट्रेनेज अब वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो हमारा वीनस ड्रेनेज जो रेक्टम का ओरिजिनेट होता है वो दो तरफ से ओरिजिनेट होता है एक आपका होता है इंटरनल वीनस प्लेक्सस ठीक है एक आपका होता है एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सस ठीक है तो ये दो प्लेक्सस से ओरिजिनेट होता है अब सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो कहाँ से आती है वो इंटरनल रेक्टल वीनस फ्लेक्सेस से उसका ब्लड सप्लाई आती है और ये फिर जाती है सुपीरियर रेक्टल वेन में ठीक है तो इंटरनल बीनस प्लेक्सेस सुपीरियर रेक्टल वेन सुपीरियर रेक्टल वेन फिर आपकी लेके जाती है ब्लड को इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन ठीक है तो इसको हम डायग्राम पर रिलेट करेंगे फिर आता है स्प्लीनिक वेन ठीक है तो हम पहले बात कर लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बीनस प्लेक्सेस होता क्या है तो इस डायग्राम में देखो ये देखो ये आपका इंटरनल प्लेक्सेस है ठीक है तो ये आपका इस लेवल पे है लगभग हिल्टन लाइन होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे पैक्टेट लाइन है तो हिल्टनस लाइन भी इसके थोड़ा सा नीचे होती है तो ये हिल्टन लाइन ये वाली इंटेंस लाइन है आपकी ये पैक्टेन एरिया आपका पैक्टन एरिया तो ये जो आपका इंटरनल वीनस फ्लेक्सेज है ये आपका इंटरनल एनल स्पेंटर होता है उसके और सम्यूकस कोट होता है हिल्टनस लाइन के आसपास या तो रेक्टम के लोअर पार्ट के बीच में ये प्रेजेंट होता है तो ये देख पे रहो ये आपका वीनस प्लेक्सेस है इंटरनल तो यहीं से आपकी सुपीरियर वेन ड्रेन होती है तो यहाँ से वीनस फ्लेक्सेस से ब्लड आया सुपीरियर ये छः वेन्स की ट्रिब्यूटरी से जाती है सुपीरियर रेक्टल वेन में ये छः वेन्स की ट्रिब्यूटरीज होती है ये लाइन में तो बताना इसमें लिखा नहीं है मैंने बट ये छः वेन के फॉर्म में ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में एक मर्ज होके फिर ये सुपीरियर रेक्टल वेन बनती है उसके फर्दर ये आपकी आपकी इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में जाती है ठीक है ड्रेन होती है क्लियर इसी तरह एक्सटर्नल वीनस फ्लेक्सेज होता है वो किसके बीच में होता है वो आपका एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर होता है और ये पेरी एनल्स किन्स जो होती हैं ये मिकस उसके बीच में होता है ठीक है क्लियर और ये आपका इंफीरियर रेक्टल वेन जो होती है वो ड्रेन होती है आपकी इससे एक्सटर्नल बीनस प्लेक्सिस से किस में जाती है इंटरनल पोडेंटल वेन में वो मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक है इतना क्लियर तो सुपीरियर रेक्टल वेन क्लियर हो गई कि किस में जाती है सिक्स वेन्स के फॉर्म में ये इंटरनल बीनस प्लेक्सिस में सिक्स ट्रिब्यूटरीज होती हैं जिसके फॉर्म में ये मर्ज होके रेक्टल वेन उससे इंफीरियर मिजेंटल बेन क्लियर अब हम बात करते हैं आपकी मिडिल रेक्टल वेन तो मिडिल रेक्टल वेन इंटरनल वेन में ड्रेन होती है ठीक है और इनफीयर रेक्टल वेन जैसा कि मैंने बताया लोअर पार्ट से राइज होकर इंटरनल पोडेंटल वेन में जाती है डायग्राम पे मैंने वो आपको शो कर दिया तो हम दोनों को हम एक बार फिर से डायग्राम पर कर लेते हैं अब देखो मिडिल रेक्टल वेन ये रही आपकी ये भी आपके इंटरनल वीनस प्लेक्सेस से निकल के कहाँ पर जाती है इंटरनल वेन में ठीक है राइट और लेफ्ट साइड में इंटरनल वेन है आपकी तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड आपकी जाएगी ठीक है तो ये लेफ्ट साइड हो गई ये राइट हो गई तो दो आपकी पार्ट्स हो गए तो दोनों तरफ ही आपकी इंटरनल इलेक्क वेन में ड्रेन होती है क्लियर इसी तरह रेक्टल बेन एक्सटर्नल प्लेक्सस से निकल के ये आपकी रेक्टल बेन है और ये आपका इंटरनल पोडेंडल बेन है ठीक है देखो यहाँ मार कर रखा है ठीक है तो ये इंटर पोडेंडल वेन में जाके ड्रेन होती है क्लियर इतना और यहीं पे आपके हेमेरॉडल वेन्स होती हैं जो कि एनास्टेमोसिस होती है जो, होती है, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है इसी को हेमेरॉयडल वेन्स भी कहते हैं तो पोटोकेल एनास्टोमोसिस एक यहाँ पे जंक्शन होता है जिसके कारण हेमेरॉयड एक पैथोलॉजी है जो देखने को मिलती है ठीक है एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पोटोकेवल एनास्टमोसिस यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है सुपीरियर रेक्टल वेन और इन्फीरियर रेक्टल वेन और मिडिल रेक्टल वेन के बीच में ठीक है तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी वेन्स ड्रेनेज और एक दो लाइन आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में जो कि मैं आपको डायग्राम पर ही बता दूंगा तो अपर पार्ट मान लो कि अपर पार्ट मोस्टली ड्रेन होता है आपका ये जितने अपर पार्ट हैं ये आपके ड्रेन होते हैं या तो लेफ्ट इंटरनल ईलियक नोड से होके और कुछ पार्ट यहाँ जाते हैं आपके इन्फीरियर मिजेंट्रिक नोड्स में ठीक है और कुछ बची हुई वेसल्स आपकी कभी कभी इंटरनल इलेक नोड्स में भी ड्रेन करती हैं अपर पार्ट ठीक है और लोअर पार्ट आपका ड्रेन होता है नहीं सॉरी लोअर पार्ट आपका ड्रेन होता है लेफ्ट इंटरनल इलेक्स नोड्स में ठीक है और अपर पार्ट आपका ड्रेन होता है इनफीरियर मिजेंट्रिक नोड्स में ठीक है तो ये बेसिक बस पॉइंट याद रखो कि अपर पार्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो किस में होता है इन्फीरियर मेजेंट्रिक नोड्स में होता है बेसिकली ठीक है और कुछ कुछ कभी कभी बीच में एक पैरारेक्टल नोड्स होती हैं वो भी कैरी करती हैं तो वो ट्रांसमिट करती हैं सिंपली ठीक है और लोअर पार्ट आपका इधर से जाके लेफ्ट इंटरनल इलेक्स नोड्स में होता है ठीक तो ये था आपका लेफ्ट ड्रेनेज का बेसिक दो है अपर और लोअर लोअर में डिवाइडर को लेफ्ट इंटरनल और राइट इलेक्ट नोड्स में जाते हैं लेफ्ट दोनों साइड से अपर वाले आपके बेसिक नोड्स में और कुछ कुछ आपके कभी कभी इलेक्ट नोड्स में चले जाते हैं ठीक है इंटरनल इलेक्ट में क्लियर तो ये थी ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम होप यू लाइक द वीडियो और बाकी के रेक्टम की वीडियो जरूर देख लेना इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू